Assalamualaikum students, today we will continue our previous chapter. So take out your book and come to page number 49. Today topic is microbes. Microbes kya hota hai? Microbes are very small organism which cannot be seen through a naked eye. Microbes bahut chote chote organism hote hain jo hame normal eye se nahi dikh pate. They can only be seen अंडर आ माइक्रोब्स. इनको किससे देखा जा सकता है? सिर्फ माइक्रोब्स की हेल्प से देखा जा सकता है. सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल टू ह्यूमन वाइल सम आर हार्मफुल. कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं ह्यूमंस के लिए और कैसे कुछ कैसे होते हैं हार्मफुल होते हैं नुकसानदायक होते हैं. माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रोब्स जो होते हैं हर जगह होते हैं. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. जो डिजीज़ करते हैं मीन्स हमें बीमार करते हैं रोग फैलाते हैं वो माइक्रोब्स कहलाते हैं जर्म्स. द फोर मैन काइंड ऑफ माइक्रोब्स. फोर टाइप्स के काइंड्स हैं माइक्रोब्स के. फर्स्ट है बैक्टीरिया. दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ये बहुत छोटे से स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे आर सिंगल शेप्ड ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल शेप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइज. ये अलग अलग तरीके के और साइज के होते हैं. दे कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस एज फूड पॉइजनिंग एंड फूड पॉइजनिंग. ये कैसी डिजीज़ करते हैं? टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस एंड फूड पॉइजनिंग जैसी डिजीज़ किससे होती है? बैक्टीरिया से. वायरसेस दीज आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरसेस. दे कैन नॉट बी सीन अंडर अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप. ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते. दे कॉज लाइक फ्लू मम्स एंड मिसलेस. ये कैसी डिजीज़ करते हैं? जैसे कि मम्स है, फ्लू है एंड मिसलेस. फंगी दे ग्रो ऑन डिकेइंग वाटर मैटर. दे कॉज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म एथलेट्स फूड्स. फंगी जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? जो सड़े गले मटेरियल होता है उस पर ग्रो करते हैं. और ये कैसे डिजीज़ करते हैं? रिंग वॉर्म लाइक्स. प्रोटोजोआ दे आर ऑल्सो सिंगल शेप्ड ऑर्गेनिज्म. ये भी सिंगल शेप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे आर बिगर दैन बैक्टीरिया एंड कॉज डिजीज लाइक मलेरिया डेंगू एंड डायसेंट्री. ये बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं साइज में. और ये कैसे डिजीज़ करते हैं? जैसे मलेरिया डेंगू एंड डायसेंट्री. Uses of microbes. Microbes का अब हम use पढ़ेंगे. Some uses of microbes are following. Some bacteria change milk into curd. कुछ bacteria जो होते हैं वो काई के लिए use होते हैं milk से curd में change करने में, दूध से दही बनाने में. Some fungi called yeast hard to bake soft bread. कुछ fungi होते हैं जैसे कि yeast, इसको हम काई में ब्रेड बनाने में बेक करने के लिए यूज़ करते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको गलाने के लिए होते हैं. सम बैक्टीरिया क्रिएट विटामिन एंड ह्यूमन बॉडी. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन क्रिएट करते हैं. सम बैक्टीरिया डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनिमल्स में जो रफेज का जो डाइजेशन होता है उसमें भी यूज़फुल होते हैं.